Hi students, today we will discuss about a new book, Synoptic Key by Dr. C.M. Boger. It is another book by Dr. Boger after BBCR. BBCR came in 1905 and the Synoptic Key came in 1915. It has four editions, 15, 1916, 1928 and 1931. Its augmented edition came in 1935 by Dr. Banerjee of Kolkata. Right. So why this book is named as Synoptic Key? Okay, why? What do you understand by Synoptic Key? हम एक थीसिस से पहले एक साइनोप्सिस लिखते हैं, राइट? तो साइनोप्सिस क्या होती है? हमारी थीसिस की एक समरी होती है, जिसमें हम बताते हैं कि हम थीसिस में क्या रिसर्च करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे एंड व्हाट आउटकम वी आर एक्सपेक्टिंग. लाइक वाइज इसका नाम साइनोप्टिक की इसलिए है क्योंकि इसमें एक पार्ट है साइनोप्सिस, इसमें मेडिसिन की समरी दे रखी है. ठीक है, सो अगर इस रिपोर्ट्री की बात करें, इट इज अ वेरी हैंडी बुक, वेरी स्मॉल बुक, ठीक है, फॉर वेरी हैंडी यूज. इसके तीन पार्ट है, इट हैज थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज एनालिसिस पार्ट, सेकेंड पार्ट इज साइनोप्सिस पार्ट एंड थर्ड पार्ट हैज फोर अपेंडिसेस. सो व्हेन वी ओपन दिस बुक, इट स्टार्ट्स विद अ फोर फॉरवर्ड बाय डॉक्टर सी एम बोगर, राइट? Then we have introduction part, जिसमें डॉक्टर बोगर ने समझाया है कि how to use this book, how to use this book to work out different type of cases. इसमें पूरा इसके basic समझाए हैं, how to handle this book, what are the references of the book. Then we have a list of medicines of Materia Medica part, right? Then we have a part one, which is a repertory part, which is analysis part. So what is analysis actually? क्या क्या समझते हैं analysis से? हम किसी भी एक complex part को जब simpler steps में divide कर देते हैं, उसको analysis कहते हैं, to learn more about it. So any process of studying something in an organized way to learn more about it is analysis. So analysis part is a repertory part, right? रिपर्टरी पार्ट को इन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया है. सबसे पहले है रिपर्टरी पार्ट के अंदर पीरियड्स ऑफ एग्रवेशन. एज यू ऑल नो, डॉक्टर बोगर गेव मोर इम्फेसिस ऑन कॉजेशंस, द टाइम मोडालिटीज, सो इट गेव मोर इम्पोर्टेंस ऑन टाइम मोडालिटीज. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिपर्टरी इज पीरियड्स ऑफ एग्रवेशन. इट स्टार्ट विद द रूब्रिक पीरियोडिसिटी. इट स्टार्ट विद द रूब्रिक पीरियोडिकली, जिसमें सब रूब्रिक हैं, जैसे डेली, every hour, every alternate day, every fourth week, every third week, likewise. So अगर कोई भी complaint एक periodicity से patient में आ रही है, हम इस तरह के rubrics को use कर सकते हैं. Then it has specific time modalities. इन्होंने जो time को broad divisions में divide कर दिया है, morning, afternoon, evening, night. जैसे morning का time slot इन्होंने लिया है कि from 6 AM to 12 PM noon, and afternoon को लिया है 1 to 5 PM. Then evening को लिया है 6 PM to 8 PM और night को लिया है from 9 PM to 5 AM. ठीक है, specific broad divisions of time के साथ साथ इसके सब rubrics के अंदर specific time भी दे रखे हैं. ठीक है, उसके बाद आता है second part of repertory is conditions of aggravation and amelioration. Conditions of aggravation, amelioration, जैसे कि BBCR के अंदर आपने एक चैप्टर किया था कंडीशंस ऑफ एग्रवेशन एंड एम्बुलेशन इन जनरल, उसी तरह से ये चैप्टर है जिसमें मोडालिटीज दे रखी हैं. ठीक है, यू कैन टेक इट सम ऑफ द रूब्रिक एज कॉजेटिव मोडालिटीज, बाकी इसमें एग्रवेशन ही एम्बुलेशन हैं. ठीक है, सो दिस पार्ट स्टार्ट्स विद रूब्रिक एयर टू रूब्रिक योनिंग. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूब्रिक हैं, जिससे आपको कोई पेशेंट की कंप्लेंट किसी वजह से स्टार्ट हो रही है या किसी वो फैक्टर जिसकी वजह से कंप्लेंट एग्रवेट हो रही है या एमलोरेट हो रही है, राइट? जैसे कि असेंडिंग एग्रवेट, बेदिंग, कोल्ड एप्लीकेशन एग्रवेट, डैम्पनेस एग्रवेट, क्लचिंग, कोल्ड एग्रवेट, एवर्जन टू कवर, फूड एंड ड्रिंक की एग्रवेशन एमलोरेशन भी इसी के अंदर है. देन वी हैव वुलंस एग्रवेट, वी हैव राइटिंग एग्रवेट, लाइकवाइज it has some rubric also in seasons also. Spring melting snow aggravate, summer season, autumn aggravate, winter aggravate. Even we have a rubric sedentary living aggravate.
ठीक है, इस तरह से कॉजेटिव मोडालिटीज या एग्रवेटिंग एमलरेटिंग मोडालिटीज के ऊपर इसमें रूब्रिक है। थर्ड पार्ट ऑफ रिपोर्ट्री इज जनरलिटीज, ठीक है, जो थर्ड पार्ट है इट इज जनरलिटीज। सो जनरलिटीज जैसे कि आपने बीबीसीआर के अंदर चैप्टर देखा था सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल, सेम उसी तरह से इसके अंदर रूब्रिक्स हैं रिलेटेड टू द कंप्लेंट्स विच अफेक्ट द पर्सन एज अ होल। ठीक है, मेन जो टिश्यू एफिनिटीज या मेनली जो पूरे ऑर्गेनिज्म को जो चीजें अफेक्ट कर रही हैं उसके रूब्रिक्स हैं। इसके अंदर कवर होंगे जनरल सेंसेशंस, जनरल कंप्लेंट्स, जनरल लोकेशंस, पैथोलॉजिकल जर्नल्स एंड क्लिनिकल रूब्रिक्स, राइट। सो जनरलिटीज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है एकिंग रूब्रिक्स से लेके, जनरलिटीज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है एकिंग से लेके येलो तक, ठीक है। देन वी हैव अ रीजनल रिपर्टरी, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स और स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम के रूब्रिक्स हैं। सो इट स्टार्ट्स विद अ चैप्टर इंटेलेक्ट एंड एंड्स विद अ चैप्टर स्वेट। इट इज स्टूडेंट, दिस इज द ओनली रिपर्टरी वेयर इट इज वेयर रीजनल रिपर्टरी स्टार्टिंग विद इंटेलेक्ट चैप्टर। नहीं तो हर चैप्टर सबसे पहले माइंड होता है ज्यादातर रिपर्टरीज में। इट इज द ओनली रिपर्टरी जहाँ पे इंटेलेक्ट चैप्टर से शुरू हो रहा है रीजनल रिपर्टरी। सो इसमें इंटेलेक्ट से लेके स्टार्ट हो रहा है स्वेट तक। सो दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ रिपर्टरी पार्ट। फर्स्ट इज टाइम मोडालिटीज, ठीक है, पीरियड्स ऑफ एग्रवेशन। देन सेकेंड पार्ट इज कंडीशंस ऑफ एग्रवेशन एमलरेशन विच हैव मोडालिटीज। थर्ड पार्ट इज जनरलिटीज एंड फोर्थ पार्ट इज रीजनल रिपर्टरी। इस चैप्टर की हम बात करें तो इसके अंदर जो सबसे मेन चैप्टर होता है इट इज रिटन ऑन द टॉप विद अ बोल्ड, ठीक है, बोल्ड रोमन में चैप्टर का नाम लिखा गया है। बोल्ड रोमन में ही कैपिटल में ही इसके रूब्रिक्स दे रखे हैं एंड द सब रूब्रिक्स आर रिटन एज, आई होप आप देख पाए इसके अंदर, जैसे कि रूब्रिक है पीरियोडिकली, ठीक है, पीरियोडिकली रूब्रिक जो है वो कैपिटल्स में दे रखा है रोमन के अंदर। सब रूब्रिक जो है वो ऑर्डिनरी रोमन के अंदर बोल्ड में दे रखे हैं, बोल्ड ऑर्डिनरी रोमन, ठीक है। उसी तरह से इसकी जो मेडिसिन की ग्रेडेशन है रिपोर्टरी मार्ट में, इट हैज थ्री ग्रेडेशन, ठीक है। फर्स्ट इज बोल्ड कैपिटल्स, फर्स्ट इट हैज ऑर्डिनरी कैपिटल्स, देन इट हैज बोल्ड रोमन, देन ऑर्डिनरी रोमन। अगर आप इसमें देख पाए तो पीरियोडिकली वाले रूब्रिक के अंदर चाइना दे रखी है, ठीक है, चाइना जो दे रखी है वो कैपिटल्स में दे रखी है ऑर्डिनरी कैपिटल। उसके बाद ये देखेंगे तो यूपिटोरियम पर जो है वो दे रखी है हमें बोल्ड रोमन के अंदर। उसके बाद जो हमें कैक्टस दे रखी है इट इज इन ऑर्डिनरी रोमन, ठीक है। थ्री ग्रेडेशन, ऑर्डिनरी कैपिटल्स, बोल्ड रोमन, ऑर्डिनरी रोमन। चैप्टर का नाम बोल्ड में दे रखा है, बोल्ड कैपिटल। एंड द फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रिपर्टरी इज इट हैज टू कॉलम्स, ठीक है, दो कॉलम्स के अंदर हैं और तीन टाइपोग्राफी हैं। सो दिस इज द रिपर्टरी पोर्शन। देन वी हैव अ सिनॉप्सिस पार्ट। सी पार्ट टू मटीरिया मेडिका, ठीक है। सो वाई मटीरिया मेडिका पार्ट इज सिनॉप्सिस, बिकॉज इसमें मेडिसिन की मेन मेन समरी दे रखी है। द रिपोर्टरी पार्ट कंटेन्स 489 रेमेडीज, द मटीरिया मेडिका पार्ट कंटेन्स 323 रेमेडीज, ठीक है, 489, 323। तो 323 इंपॉर्टेंट रेमेडीज की समरी दे रखी है। इसकी फॉर्मेशन कैसी है ये चैप्टर की, सिनॉप्सिस पार्ट के अंदर सबसे पहले रेमेडी का नाम दे रखा है, ठीक है, ऊपर आप देख रहे हैं एब्रोटेनम दे रखा है बोल्ड कैपिटल्स के अंदर। उसके बाद उसके उसमें दो कॉलम है, राइट एंड लेफ्ट कॉलम,
लेफ्ट कॉलम में हर रेमेडी का स्फीयर ऑफ एक्शन दे रखा है, फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ डिफरेंट रेमेडीज, जैसे कि एब्रोटेनम का दे रखा है नर्व्स, न्यूट्रिशन, वेन्स। उसके राइट कॉलम के अंदर उसकी मोडालिटीज दे रखी हैं, ठीक है। राइट मोस्ट कॉलम कंटेन्स मोडालिटी एग्रवेशन एंड एमलोरेशन। देन वी हैव अ शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें उस रेमेडी की करेक्टरिस्टिक सिम्टम दे रखे हैं, ठीक है। मोस्ट क्रिटिकल सिम्टम्स को हमने बोल्ड कर रखा है और कुछ सिम्टम्स के साथ साथ ब्रैकेट में कुछ रेमेडीज हैं विच आर द रिलेटेड और द एफिलेटेड रेमेडीज, ठीक है। देन उसके बाद पेशेंट लास्ट हेडिंग है इसके अंदर रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, जिसके अंदर रिलेटेड रेमेडीज बताई हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एंटागोनिस्टिक, इनिमिकल। तो इस तरह से किसी भी रेमेडी की शॉर्ट में समरी दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पेशेंट को थ्रू साइनोप्टिक की ब्राइटा का आप सोच रहे हैं, तो ब्राइटा काप की समरी देखिए, ब्राइटा काप की समरी समझिए, स्फीयर ऑफ एक्शन में लिखा है न्यूट्रिशन, ठीक है। ब्राइटा काप न्यूट्रिशन पे अफेक्ट करती है, न्यूट्रिशन को रिटार्ट करती है, ग्रोथ रिटार्ट करती है, माइंड मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड होती है, ग्लैंड्स ग्लैंडुलर रेमेडीज, क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन कौन से ग्लैंड्स पे मेली अफेक्ट करती है, थ्रोट, प्रोस्टेट, हार्ट। उसके बाद आता है हार्ट पे इसका एक्शन है। उसके बाद आता है नर्व्स के लिए रेमेडी है। Then we have blood vessels and lungs. ब्राइटा काप की aggravations के अंदर जाएं, तो इसमें लिखा है कि company aggravate, ठीक है? Thinking of it aggravate, cold aggravate, dampness aggravate, specially to feet, to head changes, lying on painful part, left side and odors, amelioration by warm wraps. आप इसकी शॉर्ट में समरी पढ़े तो इसमें दिया है it has a torpid dwarfish. ब्रैकेट में है मिडोराइनम एंड सिफिलाइनम रिलेटेड रेमेडीज। मिडोराइनम एंड सिफिलाइनम आल्सो हैव ड्राफ्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मिडोराइनम के अंदर हाइपोसाइकोसिस होगा तो ड्राफ्ट होगा, मिडोराइनम के अंदर हाइपरसाइकोसिस होगा तो पेशेंट टॉल भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो टॉर्पिड ड्राफ्ट और मेलास्मिक वीकली सिनाइलिटी अर्ली सिनाइलिटी की रेमेडी है ब्राइटा काप, जिसके ब्रैकेट में कैल्केरिया काप दे रखी है। अगेन सेम रेमेडी, कैल्केरिया काप में भी अर्ली सिनाइलिटी कवर होती है। Then adenopathies, glandular remedy है, scrofula, chronicity, ऐसी complaints में दी जाती है जहाँ पे chronicity होती है, burnings, localized, numb parts, force through a narrow place as if, patient को ऐसा लगता है sensation as if force through a narrow place, we have a paralytic effects, apoplexy, too tired to even eat, wants to lie down, takes cold easily, inflamed mucous membranes, then capitals में दे रखा है slow, inapt, ठीक है, स्लो, inapt एंड बैकवर्ड। मतलब पेशेंट की रेमेडी ऐसी है जो कि स्पीड जिसमें स्लो है, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड है, स्लो कॉन्स्टिट्यूशन है, inapt है, मिसप्लेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है एंड बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब अगेन रिटार्डेशंस हैं, ठीक है, चाइल्डिश है, थॉटलेस बिहेवियर, टिमिड, covert, groans from every little thing, weak, beclouded mind, bad memory, forgets her errand or the word in her mouth, irresolution or indecisive, mistrustful and shy of strangers. Then we have some modalities are given, like eyes are aggravated on looking down, old sickly vision look, crusty ears, throat affected by every cold, aggravated during menses, chronic quinsy, enlarged tonsils, spasms of esophagus, diarrhea with lumbar ache, likewise. Then it is related to Kallifos, Midorhinum and Cilicia. ठीक है, तो आपने एक शॉर्ट में हमने रेमेडी को समझा कि ब्राइटा का आपका मेन मीन स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है, कहाँ पे ये मेनली जाके एड करती है, इसकी मेन मेन मोडालिटीज क्या है, इसके मेन मेन जीनियस ऑफ द रेमेडीज क्या है और मेन मेन इसके रिलेशनशिप्स क्या है। तो इसके अंदर जो मेन छोटा सा पैराग्राफ हर रेमेडी के अंदर रखा है, बहुत ही की फीचर्स, बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड यू कैन से जीनियस ऑफ द रेमेडीज दे रखे हैं, ठीक है, विच रन्स थ्रू द पैथोजेनेटिक स्फीयर ऑफ एवरी रेमेडी। उसकी पूरी पैथोजेनेसिस में जो स्ट्रेन कवर कर रहा है वो मेन मेन फीचर्स दे रखे हैं। तो आप किसी भी रेमेडी को बहुत शॉर्ट में अच्छे से साइनोप्टिक की के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। मटीरिया मेडिका में किसी भी रेमेडी की पर्सनैलिटी प्रोफाइल समझने के लिए, उसकी मेंटेलिटी, उसके मेंटल समझने के लिए बहुत सारी मटीरिया मेडिका है, लेकिन इफ़ यू वांट अ वेरी हैंडी बुक जिसमें आप शॉर्ट में पूरी रेमेडी को समझ लें ए टू जेड कि वो कहाँ कहाँ पे ऐड करती है, कैसे करती है, मेन मोडालिटीज क्या है, मेन फीचर्स क्या हैं जो उस पेशेंट में मिलेंगे,
then we should consider synoptic game. So this is about Materia Medica part. Then it has four appendices. The first appendix so we start with first appendix. Materia Medica has remedies from Abrotanum to Zincum. Then we have a part 3. See, part 3. Right? Comprising of first. Iske char part hain, char appendices hain. First appendix. Table of approximate duration of action of remedies. De rakha hai. Har remedy ke duration of action hota hai. Ki wo kitni deep acting hai. Kitne span tak wo patient mein act karegi. Jab tak aapko next repetition nahi sochna hai. Theek hai? So table of approximate duration of action of remedies is given by weeks. Har dekhi remedies ke upar ek number likha hua hai, superscript has a number. This number denote duration of action in weeks. For example, jaise ki calcarea carb ka diya hua hai 5 weeks. Matlab calcarea carb aapne di hai to you should wait for at least 5 weeks. चाइना का है 3 वीक्स, जैसे कि नेट्रोम्यूल का है 4 वीक्स, जैसे कि पल्सेटेला का है 1 वीक, जैसे कि सिलिशिया का है 6 वीक्स, सीपिया का है 6 वीक्स, ठीक है, लाइकवाइज. सो मेन मुझे इसके अंदर एक डीमेरिट ये लगा कि पोटेंसी इज नॉट गिवन, कि किस पोटेंसी में एक रेमेडी का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. मीन्स अगर आपने सिलिशिया का 30 में दी है या 6x में दी है, 200 में या 1m में, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आई थिंक उसमें वेरी कर सकता है, बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन द पोटेंसिस ऑफ द रेमेडी. सिर्फ रेमेडीज के आगे उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पोटेंसी. इट हैज टू कोट्स बाय डॉक्टर बॉनिंग हुसैन एंड वन बाय डॉक्टर हेरिंग. डॉक्टर बॉनिंग हुसैन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है इस कोट के अंदर कि जब तक आपकी रेमेडी के बाद कोई भी जब तक की पुराने सिम्टम्स आ रहे हैं या पुराने सिम्टम्स एग्रवेट कर रहे हैं, पेशेंट स्टैंड स्टिल है, and there is no addition of any new symptom which is outside the sphere of action of prescribed medicine, you should not repeat any dose. ठीक है, जब तक पुराने symptoms आ रहे हैं, जब तक पुराने symptoms aggravate हो रहे हैं, जब तक कोई भी ऐसा नया symptom add नहीं होता जो आपके prescribed medicine के sphere of action से बाहर है, तब तक आपने medicine repeat नहीं करनी है. एंड डॉक्टर हेरिंग ने कोट दिया है इसके अंदर कि जो प्रूफिंग के अंदर सिम्टम्स सबसे लास्ट में आते हैं, दे हैव द हाईएस्ट वैल्यू, राइट. इन सेकंड टेबल वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज. सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ 127 रेमेडीज आर गिवन, 127. एंड कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज के अंदर वी हैव 114 रेमेडीज. 114 रेमेडीज की कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज दे रखी हैं. यू ऑल अंडरस्टैंड बाय व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज. Any remedy which complete the course or which assist in the course of cure of the previous medicine, वो complementary medicines होती हैं जो previous medicines का course of action को complete करने में help करती हैं, ठीक है. जैसे abrotanum की है लिए brina है, belladonna के लिए calcarea carb है, brina के लिए rustox. So after that and after complementary remedies, some table of antagonistic remedies are given. This table comprise of 35 remedies. इसमें antagonistic remedies या inimical remedies बताई गई हैं, ठीक है. For example, China के लिए digitalis है, belladonna के लिए dalgamara है, lycopodium के लिए nux muscata है, likewise. It has only 35 remedies. Antagonistic remedies मतलब जो medicines एक दूसरे के action को alter कर सकती हैं या even harm कर सकती हैं, वो inimical या antagonistic remedies होती हैं. आप इस जैसे कि आप बेलेडोना के बाद डलकमारा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है. देन लास्ट ऑफ द अपेंडिक्स इज सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल. अंडरस्टैंड द नेम, सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल. सप्लीमेंट्री, आप एग्जाम में मेन शीट के साथ हम सप्लीमेंट्री शीट लगाते हैं, ठीक है. तो सप्लीमेंट, जो उस चीज को सप्लीमेंट कर रही है, रेफरेंस, एक रेफरेंस टेबल है जो आपकी मेन रिपोर्ट्री को सप्लीमेंट कर रहा है एज अ रेफरेंस टेबल, सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल. डॉक्टर बोगन ने सिनोप्टिक की बनाने के बाद उसमें सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल ऐड किया, जिसमें बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं
जो उन्होंने मेन जो रेमेडीज दे रखी है मटेरिया मेडिका पार्ट में उसका कंटेंट को ऐड किया है. सो द मेन फंक्शन ऑफ दिस सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल वी हैव टू यूज दिस इट्स रूब्रिक्स एंड इट्स सब रूब्रिक्स एंड इट्स मेडिसिन दिस न्यू एडिशन कंबाइंडली विद द मेन रिपोर्टरी पार्ट विद एनालिसिस पार्ट. फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स दिए हैं अगेन और उसके आगे मेडिसिन दिए हैं बहुत सारे रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स दिए हैं एंड सम रूब्रिक्स हैव पेज नंबर. फॉर एग्जाम्पल इसका एक रूब्रिक है जैसे यू कैन टेक अस्थमा. देखिए अस्थमा के साथ एक पेज नंबर दिया है पेज नंबर 86. ठीक है तो अगर आप 86 पेज पे जाएंगे तो इसमें दिया हुआ है रूब्रिक अस्थमैटिक. ओनली वन सब रूब्रिक इज गिवन विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली. ठीक है अगर आप रेफरेंस टेबल में जाएंगे तो इसमें दिया है अस्थमा ब्रोंकियल कार्डियक अस्थमा कैटरल अस्थमा अस्थमा ऑफ ड्रंकर्ड्स अस्थमा इन गॉइटर अस्थमा ऑफ हे फीवर ह्यूमिड अस्थमा हिस्टेरिकल अस्थमा नर्वस साइकोटिक अस्थमा बहुत सारे सब रूब्रिक ऐड किए हैं. तो जब हम अस्थमा के सब रूब्रिक को देख रहे हैं तो एक बार हम सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल में भी अस्थमा में जाएं. ठीक है वहां के सब रूब्रिक्स को भी देखें जो हमें ज्यादा बेटर रूब्रिक लगता है उसे हम ले सकते हैं. तो सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल एज अ सप्लीमेंट टू द मेन रिपोर्टरी पार्ट दिस इज अ रेफरेंस टेबल. इसको भी रेफर कर सकते हैं कंबाइंडली विद द रिपोर्टरी पार्ट. सो दिस इज सप्लीमेंट्री रेफरेंस टेबल. Supplementary reference table is the end part of this book. Then we have a list of abbreviations of remedies. List of remedies with their abbreviations. ठीक है? It has a remedies from AV scan to Zizia. Alright. So how to use synoptic key? So अगर हम इसकी construction देखें उसी तरह से हमें synoptic key use करने के लिए केस के अंदर टोटैलिटी बनानी है. सबसे पहले हमें कॉज देखना है कॉजेटिव मोडालिटीज कोई कॉजेटिव मोडालिटीज हैं कोई टाइम मोडालिटीज हैं पेशेंट के अंदर. सो फर्स्ट इज कॉजेशन देन वी हैव टू टेक इनटू कंसीडर द मोडालिटीज इन हायरार्की देन वी शुड कंसीडर मेंटल स्टेट कोई इमोशनल मेंटल प्लेन का कोई सिम्टम है जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है देन डिफरेंट सेंसेशंस ऑफ द पेशेंट देन ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट और द एक्सप्रेशन ऑफ द सिकनेस. कुछ भी पेशेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव फीचर्स या हमें एक्सप्रेशन ऑफ द सिकनेस मिल रहा है फॉर एग्जांपल कोई फेशियल एक्सप्रेशन कोई सेंसिबिलिटी कोई डेमिनर कोई पोस्चर उसको कंसीडर करना है. एंड लास्टली द पार्ट्स अफेक्टेड इसके बेसिस पे हायरार्की बना के टोटालिटी बना के आप साइनोप्टिक की को यूज कर सकते हैं. देन इट हैज सम लिमिटेशंस आल्सो इट इज अ द मेन स्कोप ऑफ दिस साइनोप्टिक की इज इट इज टू एक्चुअली ईज द वर्क ऑफ प्रैक्टिशनर. ये बहुत हैंडी बुक है ये बहुत शॉर्ट में समझने के लिए है बहुत की कुछ पेशेंट के अंदर आपको रूब्रिक्स मिल रहे हैं कोई मोडालिटीज प्रोमिनेंट मिल रही हैं आप इस बुक को यूज कर सकते हैं. उसमें आप एक रेमेडी को डिस्टिंग्विश करने के लिए साइनोप्सिस पार्सेस रेमेडीज के कंपेरिजन कर सकते हैं रेमेडीज कंपेयर कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी शॉर्ट हैंडी बुक नॉट एज वॉल्यूमिनस एज बीबीसीआर वेरी शॉर्ट बुक but yeah very good rubrics are there and short summary of medicines is very nicely done. But what are the limitations is it's a very short book it has less number of rubrics it has less number of sub rubrics it has less number of medicines of course and this repertory is not used for systematic repertorization and it has less number of nosodes given right information on nosodes are very less and it is number of related remedies are very less bahut sare relation de rakhe hain but number of related remedies very less. So end mein agar hum isko last mein end karne se pehle agar revise kare to this repertory has three parts the analysis part which is repertory the synopsis part which is materia medica and the four appendices the last part has four appendices. Repertory part has four part again first is periods of aggravation which are time modalities, then conditions of aggravation and ameliorations, then generalities, then regional repertory. Then we have materia medica part, repertory part has 489 remedies, then materia medica part has 323 remedies, materia medica part has a short summary